लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की भारी जीत का अनुमान लगाया गया है। हालांकि एग्जिट पोल एनडीए को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में गिरावट का संकेत भी देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगभग 9% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन इस बार यानी कि 2024 के चुनाव में ये घटकर 6% रह जाने का अनुमान है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को मुस्लिमों के जबरदस्त वोट मिलने की उम्मीद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और संविधान बचाओ की अपील ने मुस्लिम वोटों का रुख कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया है। इस कारण इंडिया ब्लॉक को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में जबरदस्त 24% का उछाल होने का अनुमान। 2019 में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को 52% मुस्लिम वोट मिले थे, इस बार इन्हें 76% वोट मिल सकते हैं। एग्जिट पोल का डेटा बताता है कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के अतिरिक्त 38% वोट मिलने का अनुमान है। 3 तलाक पर रोक और मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाने के बावजूद यूपी में एनडीए को 6% मुस्लिम वोटों का नुकसान होने का अनुमान है। यूपी की तरह ही बिहार में भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ इंडिया ब्लॉक को मुस्लिमों के 16% वोट ज्यादा मिलने का अनुमान है। इसमें से 5% एनडीए और 11% अन्य पार्टियों की वोट है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी की टीएमसी को भी 2% मुस्लिम वोटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। झारखंड में एनडीए के 4% और अन्य पार्टियों के 2% मुस्लिम वोट इंडिया ब्लॉक को मिलने की उम्मीद है। एनडीए को मिलने वाले अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की जातियों के वोट बढ़ने का अनुमान है। एनडीए को मिलने वाले अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की जातियों के वोट बढ़ने का अनुमान है। एनडीए को मिलने वाले एसटी वोट 47% से बढ़कर 48%, ओबीसी वोट 56% से बढ़कर 58% और सामान्य जाति के वोट 60% से बढ़कर 64% होने की संभावना है। एनडीए को बाकी जातियों से मिलने वाले वोट भी 4% बढ़कर 48% होने की उम्मीद है। बात अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की करें तो इस बार मुस्लिम हितैषी पार्टियों ने भी मुसलमानों को वोट देने में कंजूसी दिखाई है। इस बार सभी दलों ने मुसलमानों को वोट देने से कन्नी काट ली, जिन्हें इस समुदाय का वोट मिलता रहा है। ऐसे में यह प्रश्न मुस्लिमों को मत रहा है कि सिर्फ वोट बैंक भर उन्हें क्यों मान लिया जाता है। दरअसल भाजपा के कमबैक के साथ राजनीति का प्रवाह ऐसा बदला कि मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत की गारंटी कम होती गई। ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से कई दलों ने परहेज किया है। बात अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की करें तो इस बार मुस्लिम हितैषी पार्टियों ने भी मुसलमानों को टिकट देने में कंजूसी दिखाई है। इस बार सभी दलों ने मुसलमानों को टिकट देने से कन्नी काट ली है, जिन्हें इस समुदाय का हमेशा से वोट मिलता रहा है। ऐसे में यह प्रश्न मुस्लिमों को मत रहा है कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक भर क्यों मान लिया जाता है। दरअसल भाजपा के कमबैक के साथ राजनीति का प्रवाह ऐसा बदला कि मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत की गारंटी भी कम होती गई। ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से कई दलों ने परहेज किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।